ये रे गाइस, इस मंथ के बेस्ट स्मार्टफोन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाय दीज प्रोडक्ट्स विद द बेस्ट डील्स एंड ऑफर्स फ्रॉम द यूट्यूब शॉपिंग लिस्ट। टैप ऑन द स्क्रीन एंड क्लिक व्यू प्रोडक्ट्स टू नो मोर। इस प्राइस में एंट्री लेवल में एक फ़ोन बहुत ही अच्छा है जो आप कंसिडर कर सकते हैं, और ये है इन्फिनिक्स हॉट 20 5G। यहाँ पर डायमेंसिटी 810 CPU मिलता है और आप बहुत ही सुपर फास्ट परफॉर्मेंस देता है। साथ साथ यहाँ पे 50 MP का कैमरा भी है, 120Hz की डिस्प्ले भी है, और बैटरी भी इन्फिनिक्स के फ़ोन की बहुत ही अच्छी चलती है। तो ये नेक्स्ट फ़ोन पे आते हैं गाइस। ये फ़ोन एक्साइटिंग तो है, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रिक्ट वर्ड बता दूं कि ये फ़ोन आप एक कंडीशन पे ना बाय करिएगा, और ये है IQ Z6 Lite एंड दी IQ Z6। दोनों फ़ोन के प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। यहाँ पे 5G बैंड्स बहुत ही कम है, कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में या आपका नेटवर्क वो बैंड सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अदरवाइज़ दोनों फ़ोन ठीक हैं, स्लिम हैं, फास्ट चार्जिंग करते हैं, लाइट वेट है, डिज़ाइन अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा भी ठीक ठाक है इस प्राइस के हिसाब से। अब इस प्राइस का एक वन ऑफ द फेवरेट फ़ोन वो है Moto G62। ये फ़ोन भी गाइस बहुत ही कमाल का है इस प्राइस के हिसाब से। 15,000 में आपको ये एग्जैक्टली 6GB रैम वेरियंट मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड है, परफॉर्मेंस इस फ़ोन की बहुत ही अच्छी है, और बढ़िया डिस्प्ले, 120Hz, फास्टर कैमरा काम करता है, तो सभी कुछ इसमें काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस सेगमेंट का मेरा फेवरेट फ़ोन जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी F23। इसी प्राइस में आजकल आपको M33 भी मिल सकता है, लेकिन इस फ़ोन का CPU ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 750G मिलता है, जो कि बहुत ही केपेबल CPU है। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है, 120Hz है, 4K वीडियो की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही रेयर है इस प्राइस सेगमेंट में, वो आपको यहाँ पे मिलता है। कैमरे की क्वालिटी भी ठीक है, डिस्प्ले भी अच्छा है, सॉलिड मजबूत फ़ोन है। रियलमी के फ़ोन की बात करें तो 2-3 अच्छे फ़ोन हैं जो आप इस प्राइस में बाय कर सकते हैं। अगर एक बैलेंस्ड फ़ोन चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में, यानी कि 17-18-19 के रेंज में मिल जाए, तो वो है रियलमी नार्जो 50 प्रो। इसका CPU बहुत ही पावरफुल है, फ़ोन दिखने में अच्छा है, डिस्प्ले भी इसका बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, कैमरा भी ठीक है 48MP, लेकिन बैलेंस कैमरा मान सकते हैं। जस्ट डिस्प्ले और लुक्स आपकी प्रायोरिटी है, देन लेटेस्ट कोका कोला एडिशन फ़ोन तो आ ही चुका है, और ये है गाइस रियलमी 10 प्रो। इस फ़ोन का डिस्प्ले सबसे बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। देखिए, अगर मैं आपको अनलॉक करके दिखाऊँ, जितना यहाँ पे बेजल दिया गया वो आपको किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज के। बहुत ही अच्छा फ़ोन है रियलमी 10 प्रो फॉर द डिस्प्ले, और स्नैपड्रैगन 695 है, ओकेज काइंड ऑफ है, 4K और के वाला स्टफ़ नहीं करता, तो वो बात आप ध्यान रखिएगा। अब पावर यूज़र आप हैं तो आपको एक अच्छा तगड़ा फ़ोन दिखाते हैं रियलमी का, रियलमी 9 स्पीड एडिशन। वैसे एक साल से ज़्यादा पुराना हो गया, लेकिन अभी भी ये स्नैपड्रैगन 778G के साथ आता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, 144Hz डिस्प्ले है, 48MP का कैमरा है, तो गेमिंग के लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छी, और आप कह सकते हैं हाई परफॉर्मेंस यूजर के लिए फ़ोन ज़्यादा रिकमेंडेड है। Motorola का एक और फ़ोन गाइस बहुत ही एक्साइटिंग है इस प्राइस में, और वो है Moto G82। अब इस फ़ोन में देखिए कमाल क्या है, यहाँ पे भी आपको बढ़िया 120Hz का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, परफॉर्मेंस बड़ी स्मूथ है, स्टॉक एंड्रॉइड है, और कैमरा भी ठीक ठाक है, तो ये फ़ोन भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है। यहाँ पे आपको OIS भी मिलता है, ये भी एक बेस्ट पार्ट है, और अबाउट फ़ोन जाएंगे अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। अभी एंड्रॉइड 12 पे, होपफुली एंड्रॉइड 13 जल्दी आ जाना चाहिए। AMOLED 120Hz काफ़ी बढ़िया पैकेज है, अगर आप सुपर पावर यूजर नहीं है तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत रिकमेंडेड है। इन्फिनिक्स का लेटेस्ट फ़ोन जो लॉन्च हुआ है जीरो सीरीज़ में, ये है जीरो 5G अल्ट्रा 2023। अब ये भी गाइस वन ऑफ द फास्टेस्ट फ़ोन इस प्राइस का मान सकते हैं। डायमेंसिटी 1080 है, जो आपको थोड़े से हाई प्राइस के फ़ोन में आजकल मिलते हैं, जैसे कि रियलमी का जो आया है 10 प्रो प्लस, रेडमी नोट 12 प्रो सीरीज़ है उसमें मिलता है, तो इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और कैमरा भी अच्छा है, डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, वीगन लेदर में आता है जो जनरली आपको नहीं मिलता है। लास्ट फ़ोन इस प्राइस कैटेगरी, अगर आप सैमसंग का फ़ोन चाहते हैं तो अगेन M53 गाइस बहुत ही अच्छा फ़ोन है, एक्सिनॉस CPU है, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से आई थिंक ये जस्टिफाई करता है, अच्छा है। देखिए लुक्स अच्छे हैं इसके, स्लीक सा बनाया गया है, सभी स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छे हैं। रेडमी पोको का फ़ोन लेने चाहते हैं तो आप एक नया फ़ोन ट्राई कर सकते हैं, पोको X4 प्रो और रेडमी नोट 12 प्रो प्लस जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली है। रेडमी K50i देखिए, बैलेंस्ड फ़ोन चाहते हैं आप, अगर 20 से 25 में रेडमी पोको का फ़ोन चाहते हैं
तो Redmi Note 12 Pro बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको बढ़िया डिस्प्ले मिलती है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, Sony IMX766 कैमरा बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये फ़ोन थोड़ा कॉस्टली है Redmi के प्राइस के हिसाब से, लेकिन वैसे बहुत ही अच्छा सॉलिड ड्यूरेबल फ़ोन है जो आप बाय कर सकते हैं। एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं तो आपको 144Hz चाहिए और डायमेंसिटी 8100 चाहिए और ज़्यादा पावर चाहिए तो आप जा सकते हैं रेडमी K50i पे। वैसे डिस्काउंट्स में जब सेल आता है तो ये फ़ोन आपको 20,000 में मिल जाता है, लेकिन अभी ये मैंने बॉर्डर पर रखा है, आप अपने प्राइस हिसाब से चेंज करते रहिएगा। अब थोड़ा सा कम प्राइस में आप लगाएंगे, 1500 बचाना चाहते हैं तो आप पोको का एक वीक फ़ोन ले सकते हैं। देखिए डिस्प्ले इसका एग्जैक्टली सेम है रेडमी के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे CPU थोड़ा सा अप किया गया है। यही है कि यहाँ पे अच्छा स्नैपड्रैगन का जो कैमरा परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा होता है। तो मैं आपको पोको दो सूरत में नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, पहले तो आप इसकी हाल देख सकते हैं, ठीक है चलो आप अगर फ़ोन नहीं भी तोड़ते हैं तो पोको में अपडेट की प्रॉब्लम जानते हैं, तो मेरी तरफ से तो ये केयरफुली आप बाई करिएगा कि क्या पता अपडेट के बाद कुछ हो जाए। रियलमी का एक बढ़िया फ़ोन आया था गाइस, था कि आया है, वो है रियलमी 10 Pro Plus। यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, चीपेस्ट फ़ोन है इस 25,000 में जो आपको कर्व डिस्प्ले देता है। तो डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा है, फ़ोन लाइट वेट है, स्लिम है, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल फ़ोन है, आपने उसकी टेस्टिंग भी देखी होगी, बढ़िया परफॉर्म करता है। कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है जैसे कि रियलमी 9 प्रो प्लस था, लेकिन अदर फैक्टर्स में ये बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन कैमरा भी इतना बैड नहीं है गाइस, अच्छी शॉट लेता है। 4K रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग आप सारी चीज़ें इसमें पा सकते हैं, OIS नहीं है जो मिसिंग है 9 प्रो प्लस में था। तो इस प्राइस के हिसाब से ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और मेरा फेवरेट इस प्राइस सेगमेंट में अगेन मोटरोला का फ़ोन है, मोटरोला H30। इसलिए मेरे 5G फ़ोन है वो तो आप जानते ही जानते हैं। POLED आपको 144Hz डिस्प्ले मिलता है, 50MP अल्ट्रा वाइड है, 50MP मेन कैमरा है, 4K मैक्रो वीडियोस बना सकते हैं, 4K सेल्फी ले सकते हैं वीडियो के, बहुत ही कूल चीज़ें हैं। ये फ़ोन भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है। यस बैटरी थोड़ी सी कम है, ये वन डे फ़ोन है, आपको एवरी नाइट चार्ज करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा प्रो यूज़र हैं। सबसे पहला फ़ोन जो आप कंसीडर कर सकते हैं, अगेन अब ये फ़ोन आपको मिल रहा है 26,000 के प्राइस रेंज में, और ये है नथिंग फ़ोन 1। इसमें कमाल तो यही है कि थोड़ा सा ये आईफोन स्टाइल का लुक देता है, और ऑब्वियसली गाइस यूनिक डिज़ाइन है आपको रखते हैं, यहाँ पे लाइट वेट वाली चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो वो अलग कहानी है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। CPU उसका अच्छा है, लाइक 778G+ है, बढ़िया काम करता है, 50MP अल्ट्रा वाइड, 50MP मेन कैमरा, कैमरा इसका बहुत ही अच्छा है, OIS में सारी चीज़ें मिलती हैं, वायरलेस चार्जिंग मिलती है जो कि अगेन रेयर है इस प्राइस में। डिस्प्ले सुपर ब्राइट नहीं है, इससे बढ़िया डिस्प्ले आपको मिल सकते हैं। कैमरा किंग बैक हो गया है कम प्राइस में, गूगल पिक्सल 6 है। अब देखिए कमाल की बात क्या है, गूगल का फ़ोन है तो ऑफकोर्स गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। अगर अब यहाँ पे अबाउट फ़ोन देखेंगे तो ये फ़ोन ऑलरेडी एंड्रॉयड 14 से चल रहा है, बीटा वर्जन है, अपसाइड डाउन केक यहाँ पे लिखा हुआ है। अमेजिंग कैमरा क्वालिटी, फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट, वाटरप्रूफ फ़ोन है, सभी चीज़ें कूल हैं, एक ही कौन से कि डिस्प्ले 60Hz का है, तो अगर आप कैजुअल यूसेज करते हैं ज़्यादा फ्रेम रेट से फ़र्क नहीं पड़ता है, देन इससे बड़े फ़ोन आपको इस प्राइस में नहीं मिल सकता है। OnePlus के नए फ़ोन तो आ गए जैसे कि 11 एंड दी 11R, Nord सीरीज़ भी आने वाली होगी, होपफुली वो भी मार्च तक आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अगर आप सस्ता OnePlus चाहते हैं तो Nord 2T अभी भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए ये बेस्ट फ़ोन नहीं इस प्राइस सेगमेंट का, इसमें भी कौन से हैं जैसे कि 90Hz का डिस्प्ले है, CPU एकदम अमेजिंगली फास्ट नहीं है, सिर्फ फास्ट CPU आ चुके हैं, लेकिन अब OnePlus का फ़ोन है तो उसकी खूबी आप जानते हैं गाइस, लाइक स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग आती है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, और प्रीमियम डिज़ाइन इसका है, ग्लास है, एलर्ट स्लाइडर है, और कैमरा भी इसका बहुत ही डिसेंट है, 766 सेंसर है, OIS, सारे प्रीमियम फीचर्स यहाँ पे दिए रहते हैं, फास्टर चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। एक और फ़ोन है ओप्पो का, एकदम वो डुप्लीकेट है Nord 2T का, बस लुक अलग है, और प्राइस भी इसका 1000-2000 रुपये कम हो जाता है। तो अगर आप ओप्पो का फ़ोन चाहते हैं विद सेम स्पेसिफिकेशंस तो आप इस पर जा सकते हैं। यह सेल्फी ओप्पो के फ़ोन की ज़्यादा अच्छी है रेनो 8 की कंपेयर टू Nord 2T के। पोको F4 भी एक ऑप्शन है, आप सोच रहे होंगे सारी चीज़ें इसमें गाइस कूल हैं, बस मैं इसको सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ क्यों। ये फ़ोन लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं अबाउट फ़ोन दिखाऊँ, अगस्त का सिक्योरिटी पैच चल रहा है और फरवरी ऑलरेडी आ गया, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5-6 महीने गुजर गए, लेकिन यहाँ पे अपडेट का कोई भी नामो निशान नहीं है। मैं आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, वाईफाई कनेक्टेड, अगर दोबारा मैं चेक करूँ देखो कोई अपडेट नहीं है।
जब भी अपडेट आता है तो बहुत ही डर लगता है। तो अगर आप डर से जीत सकते हैं, डर के आगे जीत वाली फिलॉसफी भी मानते हैं कि मतलब उड़ गया तो कोई बात नहीं, तो ये फ़ोन ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले और डॉल्बी विजन डिस्प्ले है, HDR 10+ है, OIS कैमरा है, फास्ट चार्जिंग है, परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 870 बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है। लास्ट फ़ोन गाइस जो आप बाय कर सकते हैं IQ की तरफ से है, IQ के बहुत ही अच्छे ऑप्शन आ गए हैं। देखिए IQ Neo 7 भी आ चुका है, एग्जैक्टली आपको 28,000 to 30,000 की रेंज में मिल जाता है। यहाँ पे नया CPU दिया गया है, कुछ इंप्रूवमेंट्स भी है। Neo 6 ऑलरेडी है, थोड़ा पुराना हो गया है, और 9SE भी है। तीनों फ़ोन एकदम सेम प्राइस में आपको मिलते हैं, तो हमने इसके बीच में डिटेल कंपैरिजन कर रखा है। मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो 9SE है, बाकी आप टेस्ट देख के समझ जाएगा कि कौन सा फ़ोन आप बाई करें। और एट द लास्ट सैमसंग का भी फ़ोन है, ऑफकोर्स इसको नहीं भूल सकते बिकॉज यहाँ पे भी क्रेजी फीचर्स है। दो फोन देखिए, सैमसंग गैलेक्सी A52s और A53, दोनों फ़ोन नियरली आइडेंटिकल हैं, जस्ट कुछ स्पेक्स का ही फ़र्क है, लाइक वाटरप्रूफ फ़ोन है, डिज़ाइन सिमिलर है, डिस्प्ले सिमिलर है, बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं हैं। तो आप दोनों फ़ोन में कोई भी फ़ोन बाई कर सकते हैं। A52s थोड़ा सा चीपर अल्टरनेटिव है और अपडेट इसको एक और आएगा, यानी कि एंड्रॉयड 14 तक ही जाएगा, लेकिन 53 है वो एंड्रॉयड 15 के आगे तक जाएगा, तो उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हैं कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये तरह कुछ रिकमेंडेड फ़ोन्स गाइस जो आप बाई कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में। ऑफकोर्स कुछ फ़ोन मैंने स्किप की, जैसे मैंने बताया मुझे एक बैलेंस फ़ोन आपको दिखाना है, तो इसीलिए मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। बाकी इंडिविजुअल टेस्ट आप देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो फ़ोन मिस हो गया प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट मंथ भी जरूर कंसिडर करेंगे।